टू प्योर कुकिंग इस वीडियो में मैं हैदराबादी पक्के गोश्त की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पक्की अखनी की बिरयानी। पहले मैं गोश्त को मैरिनेट कर दूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा गोश्त है, अंदाजे से ही मैंने लिया है। इसमें मैं 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दूंगी। मोटा मोटा ही पीसा है मैंने, बहुत बारीक नहीं पीसा है। 1 टीस्पून मैं इसमें कलर के लिए रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून टर्मरिक, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। अब मसाला मिला के मैं इसमें 2 चुटकी के पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 2 पिंच। अब मसाला लगा के मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। गोश्त को पकाना है ना, तो गोश्त को मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी गोश्त को। आधा नींबू का रस ऐड कर दूंगी। मैरिनेट किए हुए काफी घंटे हो गए हैं। अब मैं प्याज तल लूंगी गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए। ये मैंने बारीक प्याज काट लिया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने 5 बड़े चमचे तेल गरम कर लिया है, 5 टेबल स्पून। इसमें ये प्याज ऐड करूंगी। जब हम प्याज ऐड करेंगे तो तेल अच्छा काफी गर्म होना चाहिए। अब मैं प्याज को गोल्डन होने तक अच्छे से तल लूंगी। फुल फ्लेम पर हमें प्याज को तल लेना है। प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब मैं प्याज को निकाल में से मैं आधी प्याज निकाल लूंगी और आधी रहने दूंगी। और ये प्याज को मैं साइड कर दूंगी। इसमें मैं 1 टीस्पून इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। इसमें मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। करीब 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर है, ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, ये मैं ऐड करूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये है, अब मैं इसमें 2 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर ऐड करूंगी। मैं टमाटरों को थोड़ा सा गला लूंगी। आप देख सकते हैं टमाटर अब अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें 250 ग्राम इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। दही को मैंने फेंट लिया है उसी भगोने में जिसमें मैंने गोश्त को मारी है। जब ये दही पूरा मिल जाएगा तो मैं स्टोव की फ्लेम को फुल कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं अब ग्रेवी का तेल छूट गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है ग्रेवी का। अब मैं स्टोव की फ्लेम कम कर दूंगी और यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया है। ये पानी गर्म हो रहा है तो बिरयानी के चावल का पानी पकना शुरू हो गया है। इसमें मैं 1 तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ तोड़ के। ये कुछ गरम मसाला है, 3 लौंग है, 3 इलायची, छोटी सी सिनामिन स्टिक है और 1/4 टीस्पून मैं शाजीरा ऐड कर रही हूँ। सिनामिन स्टिक 1/2 इंच की होगी। इसमें मैं चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि गोश्त में मैं ऑलरेडी नमक ऐड कर चुकी हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। अब तो बिरयानी का गोश्त बनकर तैयार है। मैं स्टोव की फ्लेम बंद कर दूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ कोथमीर और पुदीना ऐड कर दूंगी ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। अब बिरयानी के पानी में उबाल आ गया है, मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें बिरयानी के चावल ऐड कर दूंगी। चावलों को मैंने पहले से ही धोकर रख दिया था। ये 1 किलो चावल है। तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब चावलों को मैं 70% तक पकने तक पका लूंगी। तो अब चावल 70% पक गए हैं, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब चावल अच्छी आसानी से टूट रहा है। अगर आपको 70% का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे दम बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि चावल कितने पकने चाहिए। देखिए आसानी से टूट रहा है। अब मैं स्टोव की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूंगी और ये चावल छान लूंगी।
अब मैं बाकी के चावल भी निथार लूंगी सारे चावल। तो ये 10% चावल जो है ये गर्म में ही पक जाएंगे, इसीलिए चावल को सिर्फ 70% पकाना है। बाकी के चावल भी इसी तरीके से पूरे निकाल लूंगी भगोने में से। सबसे पहले मैं ये जो मैंने पहले चावल निथारे थे वो ऐड कर दूंगी। तो चावलों की मैं परतें बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पहली परत पे फ्राइड अनियन डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल रही हूँ। अब इस पे मैं जो मैंने गोश्त पका कर रेडी रख करके रखा है वो ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसे चार परतों में बना सकते हैं, मैं तीन परतों में ही बना रही हूँ। यानी गोश्त की आप चाहे तो दो लेयर लगा सकते हैं, मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है वरना चावल बहुत ज्यादा गल जाएंगे और गले हुए चावल की बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इस पर मैं बाकी के चावल ऐड कर दूंगी। पुदीने और कोथमीर के पत्ते और थोड़ी प्याज ऐड कर रही हूँ। इस पर मैं लेमन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर दूंगी। दो नींबू ले लिए थे मैंने, आधा गोश्त में डाला था और 1.5 का रस है ये। 2 टीस्पून घी ऐड कर दूंगी। स्टोव की फ्लेम मैंने मीडियम टू लो पे रखी है, ज्यादा फ्लेम नहीं रखनी है क्योंकि ऑलरेडी चावल पके हुए हैं और गोश्त भी। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और 10 मिनट के लिए मीडियम लो पे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे दूंगी बिरयानी को। तो बिरयानी बनकर दम होकर रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से दम हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। देख सकते हैं आप चावल इसके कितने अच्छे पके हैं। बिरयानी या पक्के गोश्त की बिरयानी, अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी जो मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाई है पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए इस बिरयानी की रेसिपी को और मेरी दूसरी रेसिपीज को, और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ।